हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंदन चर्ची एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, ये इस सीरीज़ की 12 नंबर वीडियो है एंड इससे पहले वाले वीडियो पे हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम टीचर की जो रजिस्ट्रेशन का काम वो हम प्रॉपर तरीके से करते हैं। तो आई होप आपको वो वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम टीचर के लॉगिन का काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर टीचर लॉगिन पर अगर हम माउस ओवर करेंगे तो यहाँ पर जो लिंक है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बना है। तो सबसे पहले हम ये वाला जो लिंक है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम चलेंगे अपने VS कोड के अंदर एंड यहाँ पर अगर हम web.php फाइल के अंदर जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई लॉगिन राउट टीचर के लिए क्रिएट नहीं किया गया है। तो आइए सबसे पहले हम वो राउट क्रिएट कर लेते हैं। ये एक गेट राउट होगा, तो वो हम क्रिएट करेंगे राउट :: गेट। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो URL देना होगा वो है लॉगिन, मतलब जो राउट यहाँ पर बनेगा वो है टीचर देन /login। ठीक है, कॉमा लगाएंगे एंड यहाँ पर हमें कंट्रोलर का नाम देना होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं कंट्रोलर टीचर कंट्रोलर यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हम टीचर कंट्रोलर लिख देंगे। ठीक है, कोलन देंगे देन क्लास एंड देन कॉमा लगा के यहाँ पर हमें मेथड नेम या फिर फंक्शन नेम देना होगा। जैसे कि इस राउट के थ्रू हम क्या करेंगे फ्रेंड, जो लॉगिन की जो विंडो है वो हम यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे। तो उसके लिए इस मेथड का नाम हम देंगे शो लॉगिन फॉर्म। ठीक है, थोड़ी देर में ये वाला जो मेथड है वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे, पर उससे पहले हम इस राउट का एक नेम देंगे। ठीक है, जो नेम हम देंगे वो है teacher.login एंड देन आखिर में हम इसको सेमीकोलन देके क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब हम चलेंगे कहाँ पर, अब हम चलेंगे अपने टीचर कंट्रोलर के अंदर। टीचर कंट्रोलर के अंदर हम आ चुके हैं एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाला जो मेथड या फंक्शन है वो हम क्रिएट करेंगे, पब्लिक फंक्शन देन शो लॉगिन फॉर्म। एंड यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जो लॉगिन फॉर्म है उसको हमें यहाँ पर रिटर्न कराना होगा। पर अभी क्या हो रहा है फ्रेंड, जो लॉगिन फॉर्म है वो हम यहाँ पर अभी तक क्रिएट नहीं किया है, तो हम इसको करेंगे रिटर्न देन व्यू। अब ये वाला जो लॉगिन फॉर्म की जो व्यू फाइल है वो हमें क्रिएट करना होगा। तो आइए इसको पहले तो क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा नीचे जाएंगे एंड आप देख सकते हैं अगर हम व्यू के अंदर जाएंगे फ्रेंड, इस व्यू फोल्डर के अंदर यहाँ पर हमने बैकएंड फोल्डर क्रिएट किया है एंड उसके अंदर स्टूडेंट फोल्डर है एंड टीचर फोल्डर है। अब टीचर से रिलेटेड जो लॉगिन फॉर्म वो हम टीचर फोल्डर के अंदर रखने वाले हैं। ठीक है, लेकिन जैसे कि आपको पता होगा कि स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन या फिर लॉगिन के टाइम पर हमने जो लॉगिन फॉर्म वो हमने डिज़ाइन किया था, वो वाला फॉर्म कौन सा वाला फॉर्म है, ये ऑथ फोल्डर के अंदर जो login.blade.php फाइल है वही फाइल हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस डिज़ाइन को स्क्रैच से हम ना डिज़ाइन करके हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि ये समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो फ्रेंड आप वो वीडियो देख लेना। तो हम इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर login.blade.php फाइल है इसको यहाँ से कॉपी करेंगे एंड देन यहाँ पर हम टीचर फोल्डर के अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर login.blade.php फाइल आ चुका है। अब इस फाइल के अंदर हमें कुछ चेंजेस करना होगा। जैसे कि फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन है, इसकी जगह पे हमें करना होगा टीचर लॉगिन। ठीक है, अब थोड़ा सा और हम नीचे जाएंगे, साइड पर जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी है, इसको भी हम चेंज करके टीचर लॉगिन हमने कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा सेटअप हो चुका है। अब हमें क्या करना होगा फ्रेंड, अब हमें यहाँ पर जो टीचर कंट्रोलर के अंदर हमें इस व्यू को रिटर्न करना है। तो इस व्यू का जो पाथ बनेगा वो कैसे बनेगा, वो बनेगा बैकएंड देन टीचर देन login.blade.php। ठीक है, देन बैकएंड टीचर देन login.blade.php फाइल। ठीक है, ये हमने यहाँ पर सेटअप कर लिया है। अब हमें एक काम और यहाँ पे करना होगा, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि टीचर लॉगिन के अंदर यहाँ पर हमें इसकी जो URL है उसको हमें सेटअप करना होगा। तो राउट तो हमने क्रिएट कर लिया है, अब ये वाला काम हम करते हैं। तो वो वाला जो फाइल है वो कौन से फाइल से वो जनरेट हो रहा है, वो है website.blade.php फाइल। तो इसके अंदर फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर टीचर लॉगिन है, तो यहाँ पर हमें इसको चेंज करना है। डबल कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे राउट एंड देन यहाँ पर हमें लिखना होगा teacher.login। ठीक है, यही राउट हमने क्रिएट किया था अभी। अब अगर हम फिर से इसको रिलोड करेंगे एंड अगर हम इसके ऊपर माउस ओवर करेंगे
तो नीचे फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर टीचर स्लैश लॉगिन की जो यूआरएल है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर टीचर की जो लॉगिन स्क्रीन है वो यहाँ पर सक्सेसफुली लोड हो चुका है। तो आई होप आपको अब यहाँ तक समझ में आ चुका है। अब हमें क्या करना होगा फ्रेंड, अब हमें लॉगिन की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यहाँ पर करना होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे अपने कोड के अंदर एंड देन हमें एक नया राउट क्रिएट करना होगा। तो जो राउट हम क्रिएट करेंगे वो है एक पोस्ट राउट, ठीक है। तो सबसे पहले हम राउट बना लेते हैं, राउट कोलन कोलन पोस्ट, क्योंकि हमें लॉगिन फॉर्म को सबमिट करना है, पोस्ट करना है, तो इसलिए हम इसको पोस्ट राउट क्रिएट करेंगे, लॉगिन स्लैश स्टोर। यहाँ पर जो कंट्रोलर होगा वो है टीचर कंट्रोलर कोलन कोलन क्लास। अब यहाँ पे हमें फंक्शन नेम देना होगा, फंक्शन नेम हम यहाँ पर देंगे लॉगिन। अब इस राउट का हमें एक नाम देना होगा जो कि हम देंगे टीचर डॉट लॉगिन डॉट स्टोर एंड देन आखिर में हम इसको सेमी कोलन लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो राउट है वो यहाँ पर बन चुका है। अब ये वाला जो राउट है इसकी जो नाम हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वो ये वाला, हम इसको कॉपी करेंगे, ये वाला जो नाम है इसको हम कॉपी करेंगे एंड चलेंगे अपने लॉगिन डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी फाइल के अंदर, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड आप देख सकते हैं ये वाला हमारा फॉर्म है, इस फॉर्म के अंदर एक पोस्ट राउट हम कर रहे हैं एंड यहाँ पर जो एक्शन है इस एक्शन को हमें चेंज करना है। लॉगिन की जगह पे हम ये वाला टीचर डॉट लॉगिन डॉट स्टोर, मतलब यही राउट जो ये जो पोस्ट राउट हमने अभी क्रिएट किया है वही हम यहाँ पर पास कर रहे हैं, ठीक है। अब नीचे फ्रेंड आप देख सकते हैं इस फॉर्म के अंदर फ्रेंड आप देख सकते हैं ईमेल है एंड देन पासवर्ड है और उसके साथ साथ यहाँ पर रिमेंबर पासवर्ड का भी एक ऑप्शन है। तो आइए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अभी जैसे कि वेब डॉट पी एच पी फाइल के अंदर हमने अपना जो राउट है वो हमने क्रिएट कर लिया, अब इसका जो मेथड का नाम है वो है लॉगिन। आइए इसको अब इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलेंगे टीचर कंट्रोलर के अंदर एंड नीचे जाएंगे एंड हम जो अपना फंक्शन है वो हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे, फंक्शन का नाम है लॉगिन। एंड यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा फ्रेंड, रिक्वेस्ट हमें पास करना है, तो रिक्वेस्ट हमने यहाँ पर पास कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पर जो रिक्वेस्ट से हमें ईमेल आईडी एंड पासवर्ड मिल रहा है एंड रिमेंबर टोकन, उसको हमें वैलिडेट करना है। तो वैलिडेट हम कैसे करते हैं, डॉलर रिक्वेस्ट वैलिडेट, ठीक है। एंड इसके अंदर हमें क्या करना होगा, जो हमारा फील्ड नेम है उसको हमें वैलिडेट करना होगा। फील्ड नेम कौन सा फील्ड नेम है, फील्ड नेम यहाँ पर जो है वो है ईमेल आईडी एंड देन पासवर्ड, ठीक है। तो आइए इसको करते हैं ईमेल एंड इसकी जो वैलिडेशन होगा वो है रिक्वायर्ड एंड देन इसकी जो टाइप होगा वो होगा ईमेल, ठीक है। मतलब अगर कोई भी स्ट्रिंग दे देगा तो ये वैलिडेट नहीं होगा। देन पासवर्ड का, पासवर्ड का जो वैलिडेशन यहाँ पे हम देंगे वो है रिक्वायर्ड, मतलब पासवर्ड देना ही होगा वरना फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक है। वैलिडेशन हमने यहाँ पर कर लिया है, अब हमें नेक्स्ट जो करना होगा वो है इस रिक्वेस्ट से हमें ईमेल आईडी एंड पासवर्ड गेट करना है, ठीक है। तो हम एक यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसका नाम हम देंगे क्रेडेंशियल एंड इसके अंदर हम करेंगे रिक्वेस्ट ओनली एंड यहाँ पर हम करेंगे ईमेल एंड पासवर्ड। क्रेडेंशियल हमने गेट कर लिया है। एक चीज़ हमें यहाँ पर और करना होगा फ्रेंड, जैसे कि इस लॉगिन फॉर्म के अंदर आप देख सकते हैं रिमेंबर पासवर्ड का एक चेकबॉक्स है, इसकी भी वैल्यू हमें गेट करना है ताकि हम इसको यूज़ कर सकें। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल फिर से बनाएंगे रिमेंबर एंड यहाँ पर हम करेंगे रिक्वेस्ट एंड देन फील्ड रिमेंबर, ठीक है, हमने गेट कर लिया। अब हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर चेक करना होगा कि लॉगिन सक्सेसफुल है या नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पर ऑथ यूज़ करेंगे, ठीक है, ऑथ देन कोलन कोलन देन हम गार्ड यूज़ करेंगे। अब ये कौन सा वाला गार्ड होगा, टीचर गार्ड।
आपको अगर याद है तो मैंने टीचर नाम का एक गार्ड हमने क्रिएट किया था, देन वही गार्ड को हम यूज़ कर रहे हैं लॉगिन के लिए, ठीक है। ऑथ कोलन कोलन देन गार्ड टीचर। अब यहाँ पर हम करेंगे अटेम्प्ट। अब इसके अंदर फ्रेंड आप देख सकते हैं हमें क्रेडेंशियल भेजना है एंड रिमेम्बर भेजना है। अगर आप रिमेम्बर नहीं भेजेंगे तो भी चलेगा, बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स होता है, लेकिन हमारे केस में रिमेम्बर है तो हम उसको यहाँ पर भेज देंगे। क्रेडेंशियल्स हमने भेज दिया है एंड रिमेम्बर भी हमने भेज दिया है, ठीक है। अब हमें चेक करना होगा कि अगर ये सक्सेसफुल होता है, मतलब यहाँ पर जो ऑथेंटिकेशन है ऑथ अटेम्प्ट हम यहाँ पर अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो हम यूज़र को क्या कर देंगे, हम रीडायरेक्ट कर देंगे डैशबोर्ड के अंदर। लेकिन अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता है तो हम यूज़र को क्या करेंगे फ्रेंड, हम यूज़र को मैसेज डिस्प्ले कराएंगे कि आपका जो ईमेल आईडी या फिर पासवर्ड इनवैलिड है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर रिटर्न रिडायरेक्ट एंड देन राउट। अब कौन सा वाला राउट फ्रेंड हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा, तो अगर हम web.php फाइल के अंदर जाएंगे फ्रेंड आप देख सकते हैं टीचर डैशबोर्ड, ये हमने राउट क्रिएट किया था, तो डैशबोर्ड पे हम यूज़र को या फिर टीचर को रीडायरेक्ट कराएंगे। तो यहाँ पर जो राउट हम यूज़ करेंगे टीचर डैशबोर्ड, ठीक है, यहाँ पर हमने कर लिया है। लेकिन अगर वैलिडेट नहीं हो रहा, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे रिटर्न यूज़र को बैक करा देंगे विथ। अब यहाँ पर हमें मैसेज की यूज़ करेंगे एंड जो मैसेज होगा इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक और चीज़ करते हैं, विथ इनपुट हम कर देते हैं, मतलब जो वैल्यू यूज़र इनपुट करेंगे वही वैल्यू यहाँ पर ऑटोमेटिकली फील्ड के अंदर सेट रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़, पासवर्ड हमें नहीं सेट करना, तो हम रिक्वेस्ट एक्सेप्ट पासवर्ड, हम यहाँ पर पासवर्ड के बिना बाकी का जो फील्ड है मतलब ईमेल आईडी वो हम यहाँ पर सेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने कर दिया है, तो मेरा कोड यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो आइए इसको टेस्ट करते हैं, तो चलते हैं अपने ब्राउज़र पे एंड इसको हम रीलोड करते हैं। एंड सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ पर जो ईमेल आईडी है वो हम डाल देंगे, लेकिन ईमेल आईडी क्या है वो एक बार देख लेते हैं। अगर हम अपने टीचर टेबल के अंदर जाएंगे फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर टेस्ट टीचर नाम का एक टीचर हमने क्रिएट किया था जिसका ईमेल आईडी है testteacher@gmail.com। तो आइए इसको लिखते हैं testteacher@gmail.com एंड जो पासवर्ड है वो है 123456789 एंड यहाँ पर हम लॉगिन पे क्लिक करके देखते हैं। फ्रेंड आप देख सकते हैं हम सक्सेसफुली डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा जो URL है वो है teacher/dashboard एंड ये हमारा जो मैसेज वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, दिस इज़ डैशबोर्ड, मतलब हम यहाँ पर सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि किस तरह से हम यहाँ पर टीचर के लिए लॉगिन करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा।